हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जूलॉजी मैग्नेट। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। इंट्रोडक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड यह इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी जो साइज़ है वो पी के बराबर का होता है और इसकी जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ग्राम है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी फंक्शंस होती है और ये अदर इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लोकेशंस एंड स्ट्रक्चर। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के निचले पार्ट में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेनॉइड पॉइंट के एक होल में प्रेजेंट होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फंटिबुलम से कनेक्टेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 लोब से बना है। फर्स्ट इंटीरियर लोब, सेकंड इंटरमीडिएट लोब, थर्ड पोस्टेरियर लोब। इंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब दोनों को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टेरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस बकल कैविटी के रूप से अराइज होता है इन द फॉर्म एन आउटग्रोथ जिसे रैट्स पाउच कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस फोर ब्रेन के डायसेफलॉन के फ्लोर से ओरिजिनेट होता है। द एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट है और ये 3 पार्ट से कंपोज हुआ है। द पार्ट्स इंटरमीडिया, द पार्ट डिस्टेलिस, द पार्ट ट्यूबेलिसिस और ये 3 टाइप के सेल से बने हुए हैं। द पेरिपेरल बेसोफिल्स, सेंट्रल एसिडोफिल और क्रोमोफिल्स। हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से 6 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। यह बॉडी के ग्रोथ मेनली बोन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है और इसके ज़्यादा सिक्रेशन से बॉडी बहुत लंबा तथा विशाल हो जाता है और इसकी कम सिक्रेशन से मनुष्य में बौनापन होता है। सेकंड है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है। एडिनोकोट्रॉपिक हार्मोन। यह एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ, यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है। यह फीमेल में ओवुलेशंस में हेल्प करती है तथा मेल में सेमिनिफरस और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फोर्थ है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सिक्स है प्रोलैक्टिन और ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। इस हार्मोन का मेन काम मिल्क सीक्रेट करना होता है। हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन जिसे पिटोसिन भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शंस ब्रेस्ट फीडिंग, डिलीवरी में हेल्प करना, ह्यूमन बिहेवियर को बढ़ावा देना, इसके अलावा फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करना होता है और तनाव और चिंता के स्तर को कम करना होता है। इसे एंटी स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। सेकंड है वैसोप्रेशंस जिसे पिस्टेसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये वाटर कंजर्विंग हार्मोन है। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थैंक यू।